मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद राजधानी में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अब अभिभावक भी काफी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली के अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजधानी दिल्ली में बच्चों का नर्सरी में एडमिशन प्रक्रिया काफी उलझी हुई है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किस प्रक्रिया से आप अपने बच्चों का अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा पाएंगे। दरअसल दिल्ली में कुल 1710 स्कूल हैं, जहां इस बार नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के बच्चों के दाखिले होने हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा हो गई है तो आप दिल्ली के प्राइवेट, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। सामान्य दाखिलों के अलावा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए EWS कैटेगरी और डिसएडवांटेज ग्रुप के तहत दाखिला दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नर्सरी में दाखिले की उम्र 3 से 4 साल है, केजी में दाखिले की उम्र 4 से 5 साल है, जबकि पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 5 से 6 साल है। अगर आपका बच्चा इसी उम्र का है तो अब आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बच्चे की उम्र के बाद आपके पास एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और साथ ही साथ माता पिता का आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ की सॉफ्ट कॉपी होनी जरूरी है, क्योंकि अब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है तो आपके पास इनकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, जिसे आप आसानी से फॉर्म के साथ अपलोड कर सके। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको स्कूलों और बच्चों दोनों की सहूलियत के लिए एक पॉइंट सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इस पॉइंट सिस्टम में कुल 100 अंक होते हैं जो बच्चे को हासिल करने होंगे। इसमें बच्चे की उम्र के लिए अंक, बच्चे के घर से स्कूल की दूरी के लिए अंक, सिबलिंग पॉइंट और एल्यूमिनाई पॉइंट दिए जाएंगे। इस तरह जिस बच्चे के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसे सबसे पहले दाखिले का मौका मिलेगा। साथ ही जिस भी पॉइंट कैटेगरी में आपका बच्चा अंक हासिल कर सकता है वो फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म जमा होने के बाद की कार्रवाई स्कूल करेगा और लिस्ट जारी करेगा जिसमें आपको आपके बच्चे के अंक बताए जाएंगे। बता दें कि सभी प्रकार के स्कूली प्रोसेस के बाद तय शेड्यूल के अनुसार स्कूल बच्चों के लिस्ट जारी करते हैं। अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में है तो आपको एडमिशन के लिए एक तय तारीख को बच्चे के साथ स्कूल जाकर फीस जमा करनी होगी। वहीं जनरल कैटेगरी के दाखिले होने के बाद स्कूल EWS कैटेगरी एडमिशन के लिए अधिसूचना जारी करता है। EWS कैटेगरी के तहत सभी स्कूलों को पहले से ही 25% सीटें रिजर्व रखनी होती है। ऐसे में नोटिफिकेशन के बाद EWS कैटेगरी के दाखिले शुरू होते हैं। ऑनलाइन EWS कैटेगरी के फॉर्म भरने के बाद इसका ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ में जिस बच्चे का नंबर आता है उसका एडमिशन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।